मोदी जी, तुम्हारी दुकान ठीक ठाक से चल रही है ना? रोजाना के हरे हरे नोट छापते रहते हो। अखिलेश बाबू, आजकल हरियाली बंद हो गई है, आजकल तो नीली पीली नोट चल रही है, हरे नोट बंद हो गए हैं। हाँ हाँ, ये तो पहले की बात बोल गया मैं। चलो ठीक है, नीले पीले ही सही, पर छपाई तो चल रही है ना? अखिलेश भैया, मैंने और मोदी जी ने पार्टनरशिप में दुकान खोली थी, पूरी की पूरी दुकान खाली हो गई है। बस आप तो बैठे बैठे गप्पे मारते रहते हैं। मोदी जी, फोकट में गप्पे क्यों मारते हो? कोई मजेदार किस्सा सुना दो तो मैं तुमको 5 रुपए दूंगा। मोदी जी, मैं भी 5 रुपए दूंगा। मोदी जी, हम इनसे क्या कम पड़ते हैं क्या? मैं तुमको 10 रुपए दूंगा। शुरू करो मोदी जी कोई किस्सा कहानी। हाँ तो भैया होन, आज मैं आपको एक गरीबी की कहानी सुनाऊंगा। गरीबी पाप का मूल होती है, ऐसा सियाने बुरे लोग होन कहते हैं। एक गरीब आदमी था, एक दिन वह राजा के पास कर्ज मांगने के लिए गया। राजा साहब से बोला कि राजा साहब, मुझे 5000 रुपए दे दो कर्ज के रूप में, मैं 5 महीने के भीतर आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। राजा साहब ने उस पर विश्वास करके उसे 5000 रुपए दे दिए। 5 महीने पूरे हो गए, लेकिन उस व्यक्ति ने राजा के पैसे वापस नहीं दिए, तो मजबूरन राजा उसके घर गया पैसे मांगने के लिए। पर वह व्यक्ति घर नहीं मिलता था, वो कभी जब भी मिलता था तो कुछ भी बहाना करके राजा को टाल देता था, वहां से वापस पहुंचा देता था। एक दिन राजा साहब को गुस्सा आ गई। मोदी जी, राजा साहब तो बंदूक लेकर गया होगा और गोली मार दी होगी उस आदमी को, अब राजा साहब का कौन बाल बांका कर सकता है? नहीं भैया अखिलेश, राजा साहब गुस्से में उसके घर गया और जोर से आवाज लगाई, तो घर में से उस व्यक्ति की छोटी सी लड़की बाहर निकली। तो राजा साहब ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? तो लड़की ने कहा, महाराज स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। और बेटी तुम्हारा भाई कहाँ गया है? राजा साहब, भैया बिना वजह के झगड़ा करने गया है। और तुम्हारी माँ कहाँ गई है? बेटी बोली, माँ 1 के 2 करने गई है। राजा को उसके बेतुके जवाब सुनकर गुस्सा आ गई। अरे एक रपाटा लगाया होगा छोरी को, बदतमीजी कर रही है राजा साहब से। लालू जी, तुम क्या गुंडागर्दी के खानदान से हो क्या, जो हमेशा मारने ठोकने की ही बात करते रहते हो? अरे प्यार से पूछा होगा। मोदी जी आगे बताओ, आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ। गुस्सा में राजा ने कहा बेटी से, तुम यहाँ बैठे बैठे फिर क्या झक मार रही हो? तो बेटी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, राजन मैं बैठे बैठे यहाँ पर संसार देख रही हूँ। राजा साहब समझ गया कि इस छोरी ने तो मेरे को ही उलझा दिया। फिर राजा ने सोचा कि अब इससे प्यार से पूछा जाए कि इन जवाबों का मतलब क्या होता है। राजा ने कहा कि बेटी इन जवाबों का मतलब क्या है? तो लड़की ने कहा, राजन मैं आपको इन जवाबों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे पिताजी का कर्ज माफ करना होगा। तो राजा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा, आप बताओ। तो लड़की ने कहा कि राजा साहब आप कल आना, मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो राजा साहब वहाँ से अपने घर वापस चला गया। दूसरे दिन राजा साहब फिर वापस आया, तो राजा साहब ने देखा कि उसके घर के सभी लोग उसके घर ही एक साथ बैठे हैं। राजा ने पूछा लड़की से कि बेटी आप बताओ उन जवाबों का मतलब क्या है? लड़की ने कहा, राजन आपको अपना वादा याद है ना? तो राजा साहब ने कहा कि हाँ मुझे याद है, मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा, आप बताओ कि जवाबों का मतलब क्या है? लड़की ने अपने सभी घर वालों को इसलिए रोक कर रखा था कि ताकि उनको यकीन हो जाए कि राजा साहब ने उनका कर्ज माफ कर दिया है, नहीं तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। लड़की ने फिर राजा साहब से कहा कि मैंने आपसे कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी बंद करने गए हैं, इसका मतलब है बरसात के पानी से। हमारे घर की छत टूटी फूटी थी तो पिताजी छत को ठीक कर रहे थे। पानी आसमान से आता है और हम सभी तो आसमान को ही स्वर्ग मानते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए थे। वाह मोदी जी, छोरी तो बड़ी होशियार लगती है। हाँ होशियार तो है, तभी तो जवाबों का जवाब दे रही है। आगे सुनो, आगे मैंने आपसे कहा था कि भाई बिना वजह के झगड़ा करने गया है, इसका मतलब है कि भाई बोर तोड़ने गया था। बोर की झाड़ी में से बोर तोड़ेगा तो कांटे उसको चुभेंगे और दर्द करेंगे, तो भाई तो बोर तोड़ने गया था पर कांटों ने उसे चोट पहुंचाई, इसी को कहते हैं कि बिना वजह के झगड़ा करने गया था। और तीसरा जवाब मैंने आपको दिया था कि माँ 1 के 2 करने गई है, इसका मतलब है कि माँ चने की दाल बनाने गई थी, क्योंकि चना तो 1 होता है पर दाल बनने पर वो 2 हो जाता है, इसी को कहते हैं 1 का 2 करना। और बेटी चौथी बात, और मैंने आपसे कहा था राजन कि मैं घर बैठे बैठे संसार देख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं चावल बना रही थी,
हंडी में चावल छू रहे थे तो मैं चावल को देख रही थी कि चावल पके हैं या नहीं पके हैं। पक जाते तो हम सभी लोग खाते और संसार देखते। आदमी भोजन खाएगा तो ही जिंदा रहेगा और जिंदा रहेगा तो ही संसार देखेगा। तो भैया लड़की ने इस प्रकार उन सभी जवाबों को अच्छे से राजा साहब को समझाया तो राजा साहब लड़की की चतुराई को देखकर खुश हो गया और राजा साहब ने अपने गले से हीरो की माला निकालकर लड़की के गले में डाल दी तोहफे के रूप में। मोदी जी, लड़की ने तो राजा साहब को घर बुलवाकर चतुराई से लूट लिया। पर मोदी जी, बड़ी दिलचस्प कहानी थी, मस्त लगी। 5 की जगह पर 10 रुपए ले लो। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।